गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ठाकुर एंटरटेनमेंट। तो यार देखो, रिसेंटली ही मॉर्बियस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर 2 रिलीज किया गया। तो यार सबसे बड़ी बात ये थी कि सोनी वालों ने फाइनली कोई ट्रेलर रिलीज किया स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद। खैर मतलब नो वे होम के लिए भी बहुत तरसाया था उन्होंने और सेकंड ट्रेलर भी वो लोग रिलीज करने ही नहीं वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को 17 नवंबर के बाद ही ट्रेलर 2 देखने को मिलेगा। तो वेल, अब नो वे होम के बाद जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सोनी यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर का जो यूनिवर्स है उसमें और एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मॉर्बियस। और देखो यार, जब इसका पहला ट्रेलर आया था ना वो 2020 में आया था जनवरी में, तो लिटरली 2 साल हो चुके हैं उस ट्रेलर को। किसी को याद है कि वो ट्रेलर भी आया था? उसके बाद जाके अब ट्रेलर 2 आने वाला है और आ चुका है। और फाइनली जब मैंने बताया कि आ चुका है तो आज हम इन करने वाले हैं पहली बार एकदम अच्छी तरीके से ट्रेलर ब्रेकडाउन। जी हाँ, वैसे तो मैं चैनल पे कभी ट्रेलर वगैरह ब्रेकडाउन करता नहीं हूँ, बट चलो फिर भी मन किया आज कर दिया। तो चलो वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रो के बाद वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो अब देखो, अगर आप गलती से भी यार आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया तो ये वीडियो को एंड तक देख लो, मजा आएगा। तो देखो, अगर आप नए ऑडियंस हो या फिर ठाकुर एंटरटेनमेंट पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ही चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि सुपर हीरो कॉन्टेंट से रिलेटेड होती है। अब देखो, सुपर हीरो कॉन्टेंट बोले मतलब सुपर हीरो कॉन्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं अदर बहुत बाकी की रिव्यू वगैरह भी करता हूँ, बट कैसा है कि रिव्यू और ब्रेकडाउन में मैं थोड़ा बहुत लोगों से पीछे हूँ। हाँ, बहुत लोगों से पीछे, बिकॉज मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो अपन बात कर रहे थे मॉर्बियस की। तो वेल, मॉर्बियस के ट्रेलर रिव्यू के पहले या फिर मेरा जो ओपिनियन है उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में मॉर्बियस है कौन, कहां से आया है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। तो आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, मॉर्बियस जो है ना वो 2020 में ही रिलीज हो जाती अगर ये कोरोना नहीं हुआ होता। तो सोनी पिक्चर्स ने 2 साल पहले ही ये फिल्म पूरी तरीके से बना के रखी हुई है और सोनी पिक्चर्स के ऑफिशियल ऑफिस में ये मूवी 2 साल से पड़ी हुई है, बस पड़ी हुई है। सोचो क्या हाल हो रहा होगा उन लोगों का। तो वह अब मैं आपको सरप्राइजिंग बता दूं कि इस मूवी में मॉर्बियस का रोल किसने रोल प्ले किया है, गेस करो। आपके लिए रुकाऊ, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाना और लिखना कि किसने रोल प्ले किया है। अगर आपने उस एक्टर को पहचाना है तो कमेंट करो, और नहीं पहचाना मैं तो बता ही देता हूँ। तो उस एक्टर का नाम है जेरेड लीटो। जी हाँ, और ये जेरेड लीटो कोई और नहीं बल्कि 2021 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, ठीक है, डीसी की पिक्चर थी वो। उसमें उन्होंने जोकर का रोल प्ले किया था और 2016 की दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म के अंदर भी उसने जोकर का रोल प्ले किया था। मतलब हाँ, अब जोकर फाइनली मार्वल यूनिवर्स में आ चुका है बैटमैन बनके, मतलब समझे आप। मतलब वो डीसी यूनिवर्स में जोकर था, फिर मार्वल यूनिवर्स में उसके पास बैट वाली पावर है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे मॉर्बियस की। तो वेल, मॉर्बियस का जो ट्रेलर है ना इसमें हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेलर ने ना ज्यादा कुछ रिवील करने से पहले बहुत एक्साइटेड कर दिया हम लोगों को, और दूसरी बात बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर दिया है। अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन से यूनिवर्स की फिल्म है, डीसी यूनिवर्स की फिल्म है, मार्वल की फिल्म है या सोनी की फिल्म है। डीसी की तो नहीं है भाई, इतना तो नहीं होगा किसी का भी, डीसी की नहीं है, डीसी की बिल्कुल नहीं है। जिसको लग रहा है डीसी की फिल्म है, नहीं डीसी की फिल्म नहीं है ये। भले ही इसमें डार्कनेस दिखाया गया और डीसी जैसा, बट नहीं है, दूर है, ये अलग है, इट्स डिफरेंट। तो जेरेड लीटो बहुत टैलेंटेड एक्टर है और मुझे पता है कि वो इस मूवी में रॉक कर देंगे भाई। वो मतलब एकदम ऑस्कर विनिंग टैलेंटेड एक्टर है यार वो। मतलब उनकी मैंने ना बहुत सारी मूवीज देखी हुई है, अगर मैं सुसाइड स्क्वाड और जस्टिस लीग का हटा दूं तो भी मैंने काफी फिल्में देखी है उनकी जो काफी ज्यादा मेथड एक्टर माने जाते हैं हॉलीवुड के। और क्या है ना कि ऐसे एक्टर को बहुत कम फेम मिलता है मेरे हिसाब से। जस्टिस फॉर जेरेड लीटो जोकर, मतलब जस्टिस फॉर जोकर। और अगर डीसी वाले देख रहे हैं तो यार वो सुसाइड स्क्वाड का अगर डायरेक्टर कट रिलीज कर देते तो नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मेरे को कमेंट आया था और व्हाट्सएप पे दो चार लोगों ने मैसेज भी किया था। तो मतलब मैं नहीं हूँ, मैं डीसी वाले फुल सपोर्ट में हूँ, फुल ऐसा सपोर्ट में, एकदम कट्टर फैन डीसी। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से जो कि एक जंगल टाइप इलाके में लैंड होता है, और वहां से निकल कर आता है एक लंगड़ा व्यक्ति। अब लंगड़ा बोलना सही नहीं होगा, मतलब एक एबनॉर्मल पर्सन जो हेलीकॉप्टर से निकल के आता है
और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे जेरेड लूटो है, जो कि इस मूवी के हीरो है। अब बताओ हीरो का ये हाल है, अब विलन कौन होगा सोचो। अब देखो इसमें मतलब आपको पहले बात थोड़ा बहुत बता देता हूँ मॉर्बियस के ओरिजिन के बारे में। तो मॉर्बियस जो है ना वो है मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एंटी हीरो है। अब देखो जब इस कैरेक्टर का जन्म हुआ था ना कॉमिक बुक्स में तब ये पूरी तरीके से विलन था। तो अब क्या है कि सोनी वाले विलन पे मूवी तो बनाएंगे नहीं ना, उनको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है जैसे कि डीसी वालों को भी थी। बट क्या है कि अब डीसी वाले बेशर है, अपन क्या कर सकते हैं। क्या मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं मैंने नहीं बोला, नहीं 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 नहीं। तो मॉर्बियस जो है वो मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला है, एक एंटी हीरो है। अब वेनम पे मूवी आई, अब मॉर्बियस पे भी मूवी आ रही है और स्पाइडरमैन के लगभग एक एक करके बहुत सारे विलन्स पे भी मूवी आएगी। तो अगर कल या परसों सोनी अगर अनाउंस करते हैं कि वो ग्रीन गॉब्लिन और अमेजिंग स्पाइडरमैन से लिजर्ड पे भी मूवी बनाने वाले हैं तो शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या पता चल भी रहा हो काम। तो अब ये मॉर्बियस जो है ना काफी, ये जो फिल्म है मॉर्बियस वो काफी लोगों को कंफ्यूज कर देती है इस मामले में कि ये कौन से यूनिवर्स में सेट है। क्योंकि जब इस ट्रेलर के जस्ट इस सीन के बाद ही जब मॉर्बियस एक न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो न्यूज़पेपर होता है डेली बिगल का। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, डेली बिगल वो ही न्यूज़पेपर है जो कि सैम रैमी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में न्यूज़पेपर हुआ करता था, और उसके मालिक थे जे जोना जेम्सन, जिसको रोल प्ले किया था जेके सिमन्स ने। और उसके बाद जेके सिमन्स वापस आए अपने रोल में साल 2019 की फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के अंदर, जिनका उनका एक पूरा का पूरा कैमियो था एंड में, और वो सच में मेरे को बहुत पसंद आया जब मैंने वो पहली बार ऐसा देखा कि मतलब कैसे हो गया ये। और ऐसी खबरें की माने ना तो वो डीसी यूनिवर्स में नए वाले बैटमैन भी प्ले कर रहे हैं। अब पता नहीं मैं इस वीडियो में इतने डीसी क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत टाइम से मैंने बनाई नहीं है कुछ वीडियोस डीसी पे। और हाँ अगली वीडियो डीसी पे आने वाली है, मतलब मूड हुआ तो कर लेंगे यार, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ अपन बात कर रहे थे मॉर्बियस की। तो मॉर्बियस जो है ना वो एंटी हीरो दिखाया गया है इस मूवी के अंदर, और इसको एक डिजीज है जिसका ये इलाज कर रहा है। अब देखो, अब कहते हैं ना जब तक प्रॉब्लम कुछ पर्सनल ना हो ना तब तक अपना दिमाग काम नहीं करता उस पे। तो उसी तरह अपने डॉक्टर मॉर्बियस भी हैं, तो जिनका नाम माइकल मॉर्बियस होता है इस फिल्म के अंदर, और कॉमिक बुक्स में भी यही नाम है, कोई ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये मूवी ना बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि इसमें न्यूज़पेपर मिला है डेली बिगल का, और डेली बिगल का लोगो भी सेम सैम रैमी वाले स्पाइडरमैन मूवीज के जैसा ही है। अब देखो, अब दूसरी बात यह आती है कि इस ट्रेलर के एक शॉट है ऐसा जिसमें दिखाया गया है, मतलब एक क्लोजअप वाला शॉट नहीं, एकदम लॉन्ग वाइड शॉट है, उसमें वहां पे आपको ना साफ साफ देखने को मिलेगा ऑस्कॉर्प इंडस्ट्री। ठीक है, अब ऑस्कॉर्प इंडस्ट्री कौन चलाता है, अगर आपने स्पाइडरमैन की मूवीज वगैरह देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो कोई और नहीं बल्कि ग्रीन गॉब्लिन चलाता है, जिसका अल्टर ईगो होता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, और उसी का बेटा हैरी ऑसबॉर्न पीटर पार्कर का काफी अच्छा दोस्त होता है। मतलब ऐसा पीटर को शॉक नहीं लगेगा कि उसको पता चले कि उसका बेस्ट फ्रेंड का पापा ही उसका मेन विलन है। हाउ, चलो फिर भी ठीक है ना, पहली मूवी काफी सही थी स्पाइडरमैन 1, मैंने देखी है, आपने देखी तो बताना कमेंट सेक्शन में। नहीं नहीं अपन मॉर्बियस की बात कर रहे हैं, मॉर्बियस की बात करेंगे। तो ये दूसरा रेफरेंस था दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी से, क्योंकि वो जो ऑस्कॉर्प इंडस्ट्री का प्रॉपर लोगो है वो कोई और यूनिवर्स का नहीं बल्कि टैज़म यूनिवर्स का है, और मेरे हिसाब से ना ये सोनी ने जानबूझ के किया होगा। ठीक है, अब ये दूसरा रेफरेंस था अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स का, जो दोनों मतलब पहले तो सैम रैमी वाले मूवी के यूनिवर्स का इन लोग ने रेफरेंस दे दिया डेली बिगल का लोगो, उसके बाद इन्होंने टैज़म यूनिवर्स से ऑस्कॉर्प इंडस्ट्री का पूरा लोगो सेम टू सेम छापा हुआ है। अब ऐसा इन्होंने इसलिए किया होगा कि इनके पास टाइम कम है, क्योंकि उनको तभी मूवी रिलीज करनी थी बट वो नहीं कर पाए, और क्या है कि 2 साल बीत गए तो अभी डिमांड तो बढ़ेगी कि यार मूवी कब आ रही है, मूवी कब आ रही है। तो लो भाई आ रही है जनवरी में अगले साल। ठीक है, और ये स्पाइडरमैन नो वे होम के ठीक बाद रिलीज हो रही है, ठीक एग्जैक्टली बाद। मतलब मार्वल वालों ने सोनी वालों को शायद थोड़ा टिप्स दे दिए कि मार्केटिंग कैसे की जाए। यार नो वे होम का भी सेकंड ट्रेलर दे दो। तो इस ट्रेलर में मतलब काफी, और तीसरा रेफरेंस मेरे को ये समझ में आया कि जब मैं ट्रेलर को देख रहा था ना एकदम ऐसा एकदम डीप एकदम फोकस करके, तो मेरे को पता चला कि इसमें माइकल कीटन का वल्चर भी है। मतलब जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में माइकल कीटन ने जो वल्चर प्ले किया था ना, वो उनका सीधा ट्रेलर में ही दिखा दिया उनको कि भाई देख लो ये है मूवी के अंदर। ठीक है, तो अब क्या पता अभी कौन से यूनिवर्स के कौन से विलन हम लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाए, पता नहीं भाई, कुछ भी कह सकते हैं सोनी वाले। तो अब नो वे होम में तो मतलब मल्टीवर्स भी नहीं, नो वे होम की बात ही नहीं करेंगे अपन, नहीं नहीं
नहीं, और जो भी लोग मेरे को ना ऐसा स्टोरीज में टैग करके वो लीक्स दिखा रहे हैं ना, तो प्लीज ना दिखाओ, मेरे लिए मूवी बचा के रखो, मैं देखूंगा जाके थिएटर्स में, मेरा भी मन करता है देखने का, मैं भी फैन हूँ स्पाइडरमैन का, ठीक है, तो नहीं प्लीज लीक्स मत भेजो मेरे को। और वैसे भी वेनम के टाइम पे भी यार ऐसा हो गया था, मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, मतलब वेनम लेट देयर बी कार्नेज भी स्पॉइल कर दी इन्होंने मेरी, अब नोवे होम का भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, प्लीज ना करो। वैसे इस लीक पे अगर आपको कोई वीडियो वगैरह देखना है तो मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि अभी तक तो मैंने लीक्स देखे नहीं है और मैं लीक्स पे बनाने भी नहीं वाला हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो अपन स्पाइडरमैन नोवे होम का ट्रेलर ब्रेकडाउन भी कर देंगे अगर ट्रेलर आ जाता है तो। तो अब क्या है कि स्पाइडरमैन नोवे होम से मल्टीवर्स की शुरुआत हो रही है, ये सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना कि अभी सब लोग पूछेंगे कि यार ये मॉर्बियस है कौन सी यूनिवर्स में सेट है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि मॉर्बियस एक्चुअल में हर एक यूनिवर्स में सेट है। भाई साहब क्या क्या मार्केटिंग के लिए सोनी वालों ने, मतलब अभी आप इमेजिन करो कि अगर ऐसा रूमर्स है कि नोवे होम फिल्म के अंदर ना मैंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब ऐसा हाँ मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि वो इंस्टाग्राम पे आ जाओ चेकआउट कर लेना आप, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, लीगली नहीं होगा वो, उठू फिर ना इस तरह एक मार देगा वो, जो मैं को नहीं, मैं नहीं चाहता स्ट्राइक मारे, ठीक है। तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि पुराने वर्जन के स्पाइडरमैन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आगे जाके मल्टीवर्स का गेम होने वाला है सोनी यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स में, और प्लस उन्होंने एक एनिमेटेड सीरीज भी बनाई है मूवी सीरीज की, जिसका नाम है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट का टाइटल भी लीक, मतलब भाई ये लीक नहीं है रिवील्ड है, रिवील्ड कर दिया गया है, जिसका नाम है, आ रहा होगा टाइटल पे, खुद पढ़ लो, मैं नहीं बता सकता अभी उसको, इतना कठिन वर्ड है यार, इंग्लिश की नहीं आती अपने को, नहीं आती, अपन हिंदी में खुश है। तो इस मॉर्बियस के ट्रेलर में ना, मैं सच बताऊं तो मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटेड लगा कि ये मॉर्बियस का जो ट्रेलर है उसकी उसकी ओरिजिन अलग से बनाऊंगा मैं, और ये ट्रेलर रिव्यू था एक्चुअली, मैं ब्रेकडाउन वगैरह नहीं था, मेरे को पता है नहीं था ये, और ये बहुत मुश्किल से मतलब वीडियो शूट करने का मौका मिला है, और मेरे पास ज्यादा टाइम है भी नहीं, क्योंकि आप भी बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ, पूरी दुनिया बिजी बिजी है, मेरा तो समझता है तुम किस में बिजी हो, जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम कहाँ बिजी हो। तो अब मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अब मेरे को पता है कि लोग बोलेंगे कि भाई ट्रेलर ब्रेकडाउन बोल के क्या चिपका दिया है, तो मतलब समझो ना यार, नहीं कर सकता मैं अभी प्रॉपरली शूट, अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और कुछ दिनों में मैं वो दिक्कत सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं फ्रेम से ज्यादा बाहर ना निकलते हुए और इस पूरे के पूरे ट्रेलर को हल्का सा इग्नोर करते हुए इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूंगा, और कहूंगा कि मैंने इसका पहला ट्रेलर का रिव्यू भी बनाया हुआ है, तो आपको आई बटन पे मिलेगा, तो जाके देख लेना, देख लो मासूम चेहरा और देख लेना जाके, और अगर तुमने नहीं देखा तो मेरे पीएस लगे हुए हैं काम पे, वो फिर अपन इंस्टाग्राम पे बात करेंगे आमने सामने, फेस टू फेस। तो अब मेरे हिसाब से ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कर दो बस, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो मेरे सब्सक्राइबर्स, करो दो बस। तो अगर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, और एंड स्क्रीन पे भी आपको स्पाइडरमैन की दो, यस दो वीडियोस देखने को मिलेगी, दो, मतलब मार्वल भी सोच रहा होगा पैसे ही पैसे होंगे अपने पास। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, इसको प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, आपको मेरे मेटा इंस्टाग्राम, अब मेटा हो गया ना, सॉरी मेटा इंस्टाग्राम ट्विटर और डिस्कॉर्ड, ये चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और हाँ ये वाले चैनल का भी, क्योंकि कर देना सब्सक्राइब, क्या है ना बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, और आप लोग देखते नहीं हो, मैं बार बार बोलते रहता हूँ सब्सक्राइब करो, आप लोग करते नहीं हो, तो कोई बात नहीं, बहुत दुख होता है कि चलो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, बट फिर भी बहुत दुख होता है, तो कर दो सब्सक्राइब, कर दो, ठीक है कर दो, 340 हो चुके हैं, कम से कम इस महीने के एंड तक 400 कर दो कर दो, ठीक है। तो अब अपन मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कैमरामैन कैमरा ऑफ कर दो, और बोल दो अगली वीडियो अगले वीक आने वाली है, कब, फ्राइडे, अनाउंसमेंट भी हो गई, वाओ, इसको बोलते हैं बिजनेस, बादल भाई से सीखा है बिजनेस।